देख सकते हैं मिनी पल अपडेट कर रहा है रॉकी भाई। बाकी देख सकते हैं Z6 एंड इधर ATI प्रो का, इधर सुमित भाई, इधर पंकज भैया वीडियो बना रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं रितेश कुमार, स्वागत है आप सभी को डीजे रितेश व्लॉग्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के और एक नई वीडियो। फिलहाल दोस्तों अभी 7 बज रहा है शाम के और अभी जाने वाले हैं दोस्तों बोकारो सेक्टर 4, क्योंकि वहां पे जो है हम लोग का लेजर जो आया हुआ वो लग के रेडी है, तो आज रात को उसका प्रोग्रामिंग वगैरह किया जाएगा। फिलहाल अभी जो है डायरेक्ट चल रहा है, तो चलिए आज इस ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को वहां का नजारा दिखाते हैं कि वहां पे हम लोग जो छोटा सेटअप लगा हुआ है वो किस तरह से बज रहा है, लाइटिंग कैसा चल रहा है एंड गणेश भगवान का जो मूर्ति था उस दिन मैं जो गया था ब्लॉग बनाने, उस दिन दोस्तों गणेश जी का जो मूर्ति वो ढपा हुआ था, जिस कारण से आप लोगों को उतना अच्छा से जो है मूर्ति प्रॉपर नहीं दिखा पाया था। तो आज के इस ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ दिखाने वाला हूँ एंड ये ब्लॉग भी काफी अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखना, कितना भीड़ हुआ है सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। फिलहाल हम जाएंगे, पंकज भैया जाएंगे और साथ में जाएंगे प्रदीप भैया जाएंगे, तो चलिए तीनों हम लोग जाते हैं एंड वहाँ का आप लोगों को सीन दिखाते हैं कैसा क्या होने वाला है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैबिनेट हाउस में है, यहाँ एकदम पूरा हेवी तगड़ा से काम चल रहा है एंड चलिए आगे क्या कुछ होता है सारा कुछ आप लोगों को इस ब्लॉग वीडियो में देखने को मिल। चलिए वहाँ का सीन दिखाते हैं दोस्तों। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं, इधर ड्राइव कर रहे हैं प्रदीप भैया, बाय नहीं हाय करो। तो फाइनली गाइस हम लोग देखिए बोकारो स्टील सिटी एंट्री कर चुके हैं एंड यहाँ से कुछ ही मिनट लगेंगे हम लोग को सेक्टर 4 सिटी सेंटर जाते, तो चलिए वहाँ का सीन आप लोगों को दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, तो देख सकते हैं आगे आगे पंकज भैया जा रहे हैं, प्रदीप दा और हम पीछे पीछे जा रहे हैं, तो चलिए कंटिन्यू बने रहे। इधर देखिए रोड में काफी सारा अभी लाइट्स वगैरह लगाया गया है, आगे आप लोगों को दिखाते हैं पंडाल। फाइनली गाइस हम लोग पंडाल पे आ चुके हैं, पंडाल का पीछे का लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आगे से आप लोगों को दिखाते हैं गाइस। इधर पंकज भैया के कुछ फैंस, चलिए कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। इधर देखिए काफी ज्यादा भीड़ है इधर, चलिए क्या कुछ होता है ब्लॉग पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अभी लेजर प्रॉपर तरीके से सेटिंग हुआ नहीं है, आज रात को किया जाएगा, बट अभी डायरेक्ट चल रहा है। कैसा लग रहा है आप लोग कॉमेंट करके जरूर बोलिएगा, देख सकते हैं हमको लिटरली काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा कैसा लग रहा है। बाकी उधर से लेजर चल रहा है, इधर पंकज भैया वीडियो बना रहे हैं। काफी सुंदर लग रहा है दोस्तों देखने में, खतरनाक एकदम, जिसको बोलते हैं काबर तोड़। इधर प्रदीप दा भाई लोग, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भी हो रखी है, देख सकते यहाँ से वहाँ तक। चलिए आप लोगों को भीड़ भी दिखाऊंगा। अभी हम लोग इधर फ्रंट साइड में है जो कि एकदम एक साइड में, जस्ट थोड़ा सा पंडाल का लाइटिंग देख रहे हैं, देन उसके बाद जहाँ से लाइट का कौनसल है वहाँ भी चलते हैं। चलिए चलते हैं गाइस जहाँ पे लाइट का कौनसल लगा हुआ है। सो फाइनली गाइस इधर देख सकते हैं रोनित आ चुका है और इनका सोनू भाई, तो ये लोग भी आए थे सेक्टर 4 देखने के लिए, तो हमसे मिल लिए और चलिए आगे क्या कुछ होता है आप लोगों को ब्लॉग पे कंटिन्यू देखने को मिल जाए। आज फिर से हम लोग आए हुए हैं बोकारो स्टील सिटी और यहाँ पे देख सकते हैं डीजे पंकज का लाइट वगैरह लगा हुआ है। सभी भाग अपने अपने मोबाइल और अपने अपने सर पर ध्यान रखेंगे। सो गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं हम लोग सिस्टम के जो है यहाँ पे लगा हुआ है क्या क्या मशीन, वो तो मैंने आप लोगों को लोडिंग पे दिखाई दिया था,
बाकी देख सकते हैं Z6 एंड इधर ATI प्रो का, इधर सुमित भाई आए कर दो यार और क्या स्टोरी लगा दिया आज ने अरे कमेंट किया था। बाकी इधर रोकी, इधर देख सकते हैं रोकी, अरे भाई देख सकते हैं मिनी पल अपडेट कर रहा है रोकी भाई, रोकी अंदर में लगा हुआ है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, अंदर तरफ जाएंगे अभी प्रदीप भाई इधर, चलिए अंदर तरफ चलते हैं। बाकी इधर देखिए साउंड सेटअप का कंसोल कैसा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा। चलिए कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये रितेश भैया का माइक से यूज किया जा रहा है और देखते हैं इसका क्वालिटी किस तरह का रहता है। फिलहाल तो अभी हम लोग बोकारो सेक्टर 4 में हैं और अभी इधर का कुछ नजारा आप लोग देख सकते हैं, काफी तगड़ा रहा इस बार का लाइट। मैं आपको बता दे रहा बुर्ज खलीफा अगले बार जिस तरह का लाइट था उस तरह का नहीं है, लेकिन हाँ सामने से देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। और इस बार शार्पी का क्वांटिटी थोड़ा सा कम है, 12 पीस शार्पी है लेकिन लेजर का शो है और मस्त लग रहा जो भी बोलिए।